जनपद जालौन में वैश्य समाज पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कोरवाल ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले 3 माह में जनपद जालौन में हुई चोरियों का खुलासा न होने पर पुलिस के प्रति विरोध जताया। परिषद द्वारा आज व्यापारियों के द्वारा, वैश्य समाज के द्वारा ऐतिहासिक धरना कलेक्ट्री पर न्याय मांगने के लिए मजबूर होकर आज आया है। अभी तक जितनी घटनाएं हुई विगत 2 माह के अंदर, पुलिस प्रशासन किसी भी घटना का पर्दाफाश अभी तक नहीं कर पाई। जालौन के मुख्यालय उरई में विश्व मानव अधिकार परिषद की ओर से देश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च टाउन हॉल से मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुआ। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या मामला है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज नए दिन हर जगह वहाँ पे हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित हो। हम कानून से यही मांग कर रहे हैं वो कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो छोटी बच्चियों के साथ रेप करे, अविचार करे, उसको सीधा फांसी दे। बस हम लोगों का केवल एक ही मांग है। आज आसपा काम को लेकर विश्व मानवाधिकार परिषद की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। जो भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और कठुआ कांड के आसपा को न्याय प्रदान करें। जालौन में आज महर्षि परशुराम भगवान की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने आराध्य भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में भगवान की झांकी के साथ साथ अनेक ऋषि मुनि और देवी देवताओं की झांकी भी देखने को मिली। आज भगवान परशुराम के हम लोग वंशज हैं और हम लोगों को चूँकि वर्ष में एक बार जो त्यौहार जब आता है तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपूर्ण विप्र समाज एक साथ होकर सभी लोग जो आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये हम लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा महत्व। भगवान परशुराम का जो है हम लोग बड़े हर्षोल्लास से जो है जन्मदिन मनाते हैं और इसमें संपूर्ण जो है नगर व क्षेत्र के विप्रजन संपूर्ण अपना सहयोग और समय देते हैं, धन देते हैं और विगत जो है 7 वर्षों से अनवरत रूप से चली आ रही है। भगवान परशुराम के हम लोग वंशज हैं तो इसकी अनुभूति होती है कि भगवान परशुराम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाए। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए जालौन से अनुज पाटकार की रिपोर्ट।